वेलकम टू आवर चैनल लाइफ साइट विजिट। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनम एंड आपके लिए लेकर आई हूं आज एक और अमेजिंग लग्जूरियस प्रीमियम एंड स्टेट ऑफ आर्ट वेरी आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्कॉन प्राइमेरा एंड इट इज़ लोकेटेड एट जीरकपुर ऑन PR7 एयरपोर्ट रोड। सो गाइज, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4-tier सिक्योरिटी मिलेगी, जहाँ पर आपको गार्ड्स, CCTV, बूम बैरिगेट्स एंड हर टावर पर 2 guards अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर S+17 कॉन्सेप्ट पे टावर्स तैयार किए गए हैं, जहाँ पे आपको स्टिल्ट पार्किंग मिलेगी प्लस बेसमेंट पार्किंग मिलेगी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 21 acres का रहने वाला है, जहाँ पर 5 acres आपको पार्क्स एंड ग्रीन एरिया को डेडिकेटेड रहने वाला है एंड बाकी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 BHK, 3+1 BHK, 2 BHK एंड पेंट हाउसेस अवेलेबल होंगे। आज जो हम चेकआउट करेंगे वो रहने वाला है 3+1 BHK का सैम्पल फ्लैट, जिसका एरिया होगा 2,250 square feet। सो कम, लेट्स चेकआउट। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे फ्लैट की एंट्रेंस की तरफ। यहाँ पर आपके एक फ्लोर पर 2 flats रहेंगे एंड फ्लैट तक आने के 2 staircases एंड 2 lifts का रास्ता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं हमारा 3+1 BHK का सर्वेंट रूम, जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए बाहर तैयार किया गया है। कम, लेट्स चेकआउट। कम ऑन फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द सर्वेंट रूम, बट आप इसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसको एक छोटा सा ऑफिस स्पेस बनाया, जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल अरेंज किया है एंड ऑफिस लुक दिया है पूरा। यहाँ पे ऑफिस भी लिखा है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, इस तरीके से तैयार किया गया है। बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेक इट अ सर्वेंट रूम। आप यहाँ सिंगल बेड लगा सकते हैं, मिरर ऑलरेडी आप लगा सकते हैं, कैसे भी इसको अपने हिसाब से तैयार करवा सकते हैं। बट अमेजिंगली डेकोरेट किया गया है इसको एज ऑफिस स्पेस। फाइल्स है यहाँ पे, एक कोटेशंस है जो कि हर ऑफिस में मोटिवेट करने के लिए ज़रूरत होती है, ग्लोब है। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डेकोर जो इन्होंने ऑफिस का तैयार किया गया है। यू हैव एन अटैच्ड वॉशरूम एंड एक। तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा एरिया तैयार किया है जहाँ पे आप कॉफ़ी बना सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक, देयर इज अ केटल्स एंड देन मग्स एंड छोटे छोटे शुगर, कॉफ़ी, टी, इन सब के लिए तैयार करने के लिए जो एक हर ऑफिस में प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत ही अच्छा एक ऑफिस स्पेस तैयार किया गया है। आप इसे कैसे भी स्टडी तैयार कर सकते हैं, सर्वेंट रूम तैयार कर सकते हैं, यू कैन यूटिलाइज इट एनी वेज यू वॉन्ट। नाउ लेट्स चेक आउट आवर सैम्पल फ्लैट, कम ऑन। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे फ्लैट की एंट्रेंस एंड जस्ट लुक एट दिस। बहुत ही रॉयल तरीके से इसको तैयार किया गया है विद द वुडन वर्क्स, द लाइटिंग्स एंड जस्ट लुक एट द डोर। इट्स ब्यूटिफुल, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में इस डोर को तैयार किया गया है एंड यहाँ पर आपको 4 तरीके के लॉक सिस्टम दिए गए हैं। फर्स्ट, देर इज़ बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट, देन देर इज़ डिजिटल लॉक सिस्टम, देर इज ऑल्सो अ कार्ड सिस्टम एंड अ नॉर्मल लॉक एंड की सिस्टम। ऑल्सो आपको एक डोर आई भी प्रोवाइड की गई है। चलिए आगे आ जाते हैं हमारा फॉयर स्पेस एंड लुक एट इट। इट्स ग्रैंड, इट्स ब्यूटिफुल एंड नॉट ओनली डैट, इट्स आर्टिस्टिक। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एक आर्ट के तौर पे तैयार किया गया है। जस्ट लुक एट द वॉल पेपर, लुक एट दिस ब्यूटिफुल मिरर फ्रेम वेयर आई लुक ब्यूटिफुल अगेन एंड जस्ट लुक एट दिस, इट्स एन आर्ट इन इट सेल्फ। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल शैंडलियर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने वाजेस तैयार किए हैं, छोटी छोटी लाइटिंग मिरर तैयार किए गए हैं, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटिफुल हियर। नाउ लेट्स चेक आउट आवर फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट बेडरूम एंड वाकई जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ मैं आपको एक घर नहीं दिखा रही हूँ, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। जस्ट हैव अ लुक, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी क्रिएटिव, बहुत ही डिफरेंट यूनिक वॉल्स हैं यहाँ की। वॉलपेपर्स बहुत ही यूनिक है, जस्ट हैव अ लुक। एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है रूम, विट्रीफाइड फ्लोरिंग है, देन यू हैव अ ब्यूटिफुल फॉल सीलिंग विद एम्बिएंट लाइट्स, ये आप अपने हिसाब से तैयार करवा सकते हैं। देन यू हैव द स्पेस, यहाँ पर एक सीटिंग एरिया दिया है छोटा सा, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर ऑन स्वीट वॉशरूम। सो दिस इज़ आर अटैच्ड वॉशरूम एंड आप देख सकते हैं पूरे वुडन वर्क है नीचे, इसको भी अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। इट्स ब्यूटिफुल, यू कैन जस्ट टेक सम आइडियाज़ फ्रॉम द इंटीरियर्स हियर। तो यहाँ पर भी सारी प्रीमियम फिटिंग्स आपको दी जा रही है, एंटिस के टाइल्स होंगी एंड ऊपर आपको देख सकते हैं कि फुल लेंथ वॉल टाइल्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव एन अटैच्ड बालकनी हियर।
कम, लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वेरी लाइवली एरिया ऑफ दिस होम। येस आई एम टॉकिंग अबाउट द लिविंग स्पेस एंड जस्ट लुक एट इट, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी डिफरेंट। बहुत ही कम जगहों पे इस ह्यू के आपको सोफ़ा सेट देखने को मिलता है। ये बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही प्यारा। यू कैन पिक सम आइडियाज फ्रॉम हियर। लुक एट द शैंडेलियर एंड लुक एट द वॉल फ्रेम हियर, वॉल डेकोर सब बहुत सुंदर है। यहाँ पे अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। पूरी विट्रीफाइड फ्लोरिंग आपको दी गई है नीचे। एंड जस्ट लुक एट द वे दे हैव डेकोरेटेड देयर रूफ विद फॉल सीलिंग एंड कंसील लाइटिंग्स। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस एरिया, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इस एरिया को यूटिलाइज़ किया है। यू कैन पिक दिस, पिक सम आइडियाज़ फ्रॉम हियर। ऑल्सो आप इसको पूजा घर में कन्वर्ट कर सकते हैं टू मेंटेन द डिविनिटी ऑफ योर होम। ओके एंड यहाँ पर आ जाता है आपकी बालकनी जो कि आपकी फर्स्ट बेडरूम से अटैच रहेगी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल आइडिया, बहुत डिफरेंट है आपकी, ताकि स्पेस कंज्यूम हो। यहाँ पर आपकी 6-seater डाइनिंग लगी है, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एंड बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये फॉर अ डाइनिंग एरिया। फॉर अ डाइनिंग यू कैन जस्ट यूटिलाइज इट योर वेज। सॉरी, ऑल्सो यू हैव दिस ब्यूटिफुल लाइटिंग्स हियर, जस्ट हैव अ लुक। बहुत डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको घर नहीं एक पीस ऑफ आर्ट दिखा रही हूँ आज। सो जस्ट लुक एट दिस, दिस इज़ वेरी क्रिएटिव एंड अ वेरी डिफरेंट आइडिया। यू कैन डेफिनेटली पिक सम आइडियाज फ्रॉम हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स द हार्ट ऑफ द होम, दैट इज़ द किचन। तो जो हाउस होल्डर्स होते हैं वो जानते हैं कि अपने घर को कितना ऑर्गेनाइज रखना है, कितना ज़रूरी है किचन को ऑर्गेनाइज रखना। एंड यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज किचन प्रोवाइड की जा रही है, बिकॉज यू हैव अ ड्राई एंड अ वेट किचन कॉन्सेप्ट। अगर मैं ड्राई किचन की बात करूँ, सो इट्स कम्प्लीटली मॉडुलर एंड हाइड्रोलिक सिस्टम आपको दिया गया है। चिमनी एंड हॉब का आपको प्रोविजन दिया गया है। एंड जस्ट लुक, हर चीज़ लगाने होने के बावजूद बहुत ज़्यादा मूवेबल स्पेस है। यू हैव ऑल द सॉर्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड। यू हैव अ रेफ्रिजरेटर, यू हैव माइक्रोवेव, यू हैव अवन, यू हैव दिस वेट एरियाज थिंग, अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम योर। एंड देन यू हैव अ वेट किचन अलग से। नाउ इजंट इट ब्यूटिफुल। ऑल्सो एक बेस्ट चीज़, यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है, यू कैन यूटिलाइज इट। आप कैसे भी यहाँ पे एक टेबल लगा सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस लाइटिंग्स, इट्स ब्यूटिफुल एंड एक्चुअली अ पीस ऑफ आर्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वेट किचन। या सो हियर वी आर एट द वेट किचन। ये पूरा वेट एरिया रहेगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने वाटर मशीन भी यहाँ लगाई है, साथ में यहाँ पर सिंक दिए गए हैं, टैप दिया गया है। देन यू हैव दिस एरिया विच इज़ योर वॉशिंग एरिया, आप इसको वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो एवरीथिंग, जो भी पानी से रिलेटेड काम होगा, चाहे वॉशिंग का होगा, जो भी है, वो सब आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम, कम ऑन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम, कम ऑन। Okay, so this is the second bedroom and just look at it, the colors, the designing, and just look at these wall decors. बहुत ही सुंदर wall decors यहाँ use किए गए हैं। Wall frames आप देख सकते हैं, very different, very creative, very artistic. Just look at it, just look at the back work, the wooden work here, the entire wooden work here is a state of art thing. यहाँ पर इन्होंने space दिया गया है, आप इसको यहाँ पर couch लगा सकते हैं, यहाँ पर table और chairs लगा सकते हैं। They have just used one premium chair and a table, आप इसको अपने हिसाब से utilize कर सकते हैं। You have been given a vitrified flooring and a store here, यहाँ पर आपको store provide किया गया है। इन्होंने store को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से decorate किया है। Just have a look, this is beautiful. बट आप इसे अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाता है आपका ये एरिया, यहाँ पे यू कैन, दिस इज़ एल ई डी पैनल, आप यहाँ पे कैबिनेट बनवा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, इन्जॉय मूवीज़ एंड नेटफ्लिक्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड यहाँ आ जाती है आपकी बालकनी, विच इज़ क्वाइट स्पेशियस एज यू कैन सी।
Now let's move further and check out our walk-in closet. So we are walking into our walk-in closet and just have a look. Two full-length wardrobes, and if I slide it and show it to you, just look. कितने organized तरीके से आप अपनी हर चीज़ यहाँ रख सकते हैं. The divisions which is given to you in the cupboard बहुत ज़्यादा spacious हैं. हर चीज़ एक organized तरीके से रखने के बहुत खूबसूरत तरीके से आप यहाँ रख सकते हैं. Also just look at it. This is beautiful. A very different way of looking at yourself. As I can see myself, I look beautiful here again. And here we have the ensuite washroom. Come on. So this is the ensuite washroom and it's beautiful. यहाँ पे इन्होंने shower enclosure लगाया है. आप भी चाहे तो ऐसे ही कुछ लगा सकते हैं. Here they've given the mirror with backlight. You can also utilize it this way. You have been given branded fixtures of Jaguar here. यहाँ पे आपको anti-skid tiles and full length wall tiles दी गई है. And just have a look at the tile work. It's very different. Just have a look. Beautiful. बहुत ही आर्टिस्टिक. नॉर्मल टाइल वर्क से बहुत ही अलग. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो इस घर को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ कई जगहों पे वुडन वर्क भी दिया गया. जस्ट हैव अ लुक. कम ऑन. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मास्टरपीस ऑफ दिस होम. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टर बेडरूम. आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस मास्टर बेडरूम है. एंड जस्ट लुक एट इट. इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट अगेन. ये देख सकते हैं आप, ये जो वॉल फ्रेम्स इन्होंने लगाई है बहुत यूनिक है. लुक एट द वॉल पेपर. इट्स अगेन वेरी डिफरेंट पैसेज वे में. यहाँ पे आपका बेडरूम आ गया है तो इट्स वेरी स्पेशियस. किंग साइज बेड लगाने के बावजूद काफ़ी स्पेस है. इन्होंने स्पेस बहुत स्मार्टली यूटिलाइज किया है इस एरिया को, बिकॉज यहाँ पे आपको सीटिंग एरिया भी है एंड इट्स नॉट इवन कंज्यूमिंग टू मच ऑफ स्पेस. इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया. आप यहाँ से कुछ आइडियाज डेफिनेटली ले सकते हैं. हियर यू हैव योर LED पैनल. And here you have the wardrobe. And wardrobe को मैं highlight करना चाहूँगी. Just have a look. ये normal wardrobe नहीं है. This is the glass work which you have been given on the wardrobe itself. And यहाँ पर अगर मैं खोल के दिखाऊँ तो again बहुत ही organized तरीके से shelves दिए गए हैं आपको to keep your clothes. Come, let's move further. And also just look at it. Oh my God, this is beautiful. मैंने शायद ही कहीं ऐसा डिज़ाइन देखा होगा. बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट वुडन वर्क में है एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है. यू कैन डेफिनेटली पिक सम आइडियाज फ्रॉम हियर. कम लेट्स मूव. एंड यहाँ पर आ जाती है आपकी बालकनी विच विल बी अटैच्ड टू योर मास्टर बेडरूम. एंड अगेन इट लुक्स ब्यूटिफुल. नाउ कम लेट्स चेक आउट आवर एनसुइट वॉशरूम. सो दिस इज योर वॉशरूम एंड कंप्लीट वुडन वर्क है. अब नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर आपको फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिल रही है. साथ ही साथ आप देख सकते हैं, जस्ट लुक एट द कलर. इट्स वेरी डिफरेंट. मिरर कितने अलग तरीके से लगाया गया है. जस्ट हैव अ लुक. जैगुआर की आपको फिक्स्चर्स दिए जा रहे हैं. एंड देन ऑल्सो यू हैव विंडो हियर. जस्ट हैव अ लुक. लेट्स मूव फर्दर. कम ऑन. So friends, this was our sample 3+1 BHK flat at Escon Primera. अगर मैं यहाँ की amenities की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक 35,000 square feet का क्लब हाउस होगा, जहाँ पर आप इंडोर एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग एल्स इज अवेलेबल हियर. ऑल्सो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मेजर हॉटस्पॉट्स यहाँ पर है. हॉस्पिटल, स्कूल, जैसे कि सेंट जेवियर स्कूल. हॉस्पिटल की बात करूँ तो AmCare हॉस्पिटल. एवरीथिंग इज 5 to 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर. यहाँ पर अपनी एक लोकल मार्केट रहने वाली इनसाइड द सोसाइटी, जहाँ पर आप सारी डेली बेसिक नीड्स के अवेल कर सकते हैं. सो गाइस, कैसा लगा आपको ये फ्लैट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइफ साइट विजिट एंड प्रेस द बेल आइकन. दिस इज एंकर सोनम साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो.